खबर है करनाल की, जहां हाईवे पर शहीद परिवार के खाना पानी फौजी वैष्णव ढाबे पर प्रशासन दलबल के साथ पहुंचा और ढाबे को गिराने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए भारी पुलिस बल साथ लेकर हाईवे पर स्थित ढाबे को गिराने पहुंचे, परंतु मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसका विरोध भी किया। ढाबे के मालिकों ने बताया कि यह ढाबा पिछले काफी वर्षों से यहां स्थापित है और शहीद के परिवार द्वारा अपने परिवार की गुजर बसर के लिए चलाया जा रहा है, परंतु प्रशासन किसी दबाव में आकर इस पर कार्रवाई करने जा रहा है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि जीटी रोड पर शराब के ठेके व अन्य ढाबे चल रहे हैं, परंतु प्रशासन सिर्फ खाना पानी फौजी वैष्णव पर ही कार्रवाई करने के लिए पहुंचा है, जिसे आसपास के लोगों में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। देखिए क्या कहा कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारियों ने। 35 साल से है जी ढाबा, ये जगह है हमारी 125 वर्ग पांच मरला और ये सिर्फ 12 या 13 साल से है दाना पानी। इसकी लोकेशन खराब हो रही है जी हमारे ढाबे की वजह से, और 30 साल का परमानेंट कब्जा है ना, अगर मलकियत के कागज पूरे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको उठा नहीं सकती वहाँ से। हाँ, वायलेंस कर सकती है, क्योंकि सरकारें वायलेंस करना जानती है ना। ये पीछे और हम लगातार जैसे डिपार्टमेंट ने बताया हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए हैं, शांतिपूर्वक सारा काम हो जाए, तो शांतिपूर्वक काम करने के लिए हमारी ड्यूटी है यहाँ पर, तो जो भी है जैसे भी बीच का रास्ता निकालेंगे काम ठीक हो जाए। पहले इनको नोटिस दिया गया था, हाँ डिपार्टमेंट इनको नोटिस दिया, उसमें नहीं वो बताते कुछ अपनी मलकीत है कुछ थोड़ा बाहर है जैसा उन्होंने बताया, वो तो डिपार्टमेंट नगर निगम का उनका आपसे डिस्प्यूट है। जो दारू के ठेके हैं जीटोड पे आप देख लो, लीवान के बीच में भी इन पे किसी में लसंस नहीं है, किसी की मलकियत नहीं है, इनको सरकार रोकती नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है नेशनल हाईवे पे दारू का ठेका खोलना, उनको गिरा नहीं रही। और जो शहीद है पैंट की लड़ाई गई जिन्होंने पैंट ट्रैक तोड़े थे, उनके समारोह में गिराने के लिए आज प्रशासन पहुंच गया। तो नगर निगम से पूछी बात सर, ये कह रहे हैं कि हमारे पास हाई कोर्ट का अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भैया, कोई दाना पानी की वजह से कि उनकी वजह से इसको तोड़ा जा रहा है, ऐसा कोई सामने बात है कोई शिकायत हुई है किसी पार्टी ने, शिकायत की है उसकी वजह कार्रवाई, ये तो फौजी का है मुख्यमंत्री फौजी का पूरा मार संभाल करते हैं, बिना फौजी को हमारे पास कुछ नहीं है, हमको पूरा मार संभाल करते हैं, हमारे भाई हैं वो, इसलिए बीच की हम बातचीत जारी है, फैसला दोनों पार्टी के हित में होगा। तो अब क्या कहा, डिस्प्यूट क्या है इसका, तो आप सामने देख ही रहे हो क्या किस वजह से ये अवैध है, वैध नहीं बता रहे वो तो नगर निगम से पूछिए आप क्या वैध है नहीं है, ऑनली फॉर लॉ एंड ऑर्डर के लिए शांति के लिए हमें। तो सर अब क्या फैसला लिया गया है, अभी फैसला ही लिया गया, दोनों पार्टी से बात हो रही है, बीच का कोई रास्ता निकालेंगे हम, कोई दोनों पार्टी से हम आपका पूरा नाम डॉक्टर जोधाराम भारद्वाज तहसीलदार। हमारी ड्यूटी रहती है कि प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए और शांतिपूर्ण तरीके से की जाए। आपने बहादुर की जानी मानना कोई नहीं, नहीं तो आपको क्या फैसला लिया गया सर, आप ही अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब और डीसीपी साहब कर रहे हैं डिस्कस, जो भी वो फैसला लेंगे कानूनी दाव पे उनको डॉक्यूमेंट के बारे में वो जानते हैं, क्योंकि हमारा तो यहाँ लाइन ऑर्डर मेंटेन करना, शांति व्यवस्था बनी रहे, नहीं बहुत अच्छे तोड़ेंगे इसको, अभी वो बताएंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे, इसके गाड़ियों में लोग बैठ गए जैसे भी स्टार्ट हो गई, आप बस पूछ लेते हैं उनसे क्या इरादा है उनका। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।